अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्राइड रॉक क्रीम। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज का टाइटल क्या है, कि इस मौजू पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए छाइयों का एक इलाज लेकर आई हूँ। अच्छा, अब इसके स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री हैं। आप तीनों स्टेप देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर आप इस क्रीम को ट्राई करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं पहले पहले स्टेप की तरफ। तो पहले हमें चाहिए चावलों का आटा, जिससे हम यानी कि स्क्रब बनाएंगे। एक चम्मच चावलों का आटा लेना है, आपने लेनी है दही, ये चीज़ें हर किसी के घर में मौजूद होती हैं, और आपने लेना है कच्चा दूध। इसको अच्छे से आप मिक्स करें, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है रेडी हो गया है। तो ये है स्क्रब। अच्छा, अब ये फ्राइड रॉक क्रीम मैंने जिस पे ये यूज़ करवाई है, तो उनको 15 दिन के अंदर जो रिजल्ट मिला वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पहला स्टेप तो ये कि आपने अच्छी तरह फेस वॉश कर लेना है, अच्छे से किसी फेस वॉश से। फिर आपने इसको ये देखें, इस तरह से माइल्ड सा फेस वॉश ये स्क्रब बनेगा। आपने इसको हल्के हाथ से स्क्रब करना है, इस तरह से आपने स्क्रब करना है। अच्छा, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपने दूसरी चीज़ किस क्या करना है, दूसरा स्टेप मतलब क्या है। ये देखिए, अच्छा पिगमेंटेशन आ तो जाती है, उनको रिमूव करना इतना मुश्किल होता है कि इंसान बस बहुत परेशान हो जाता है कि क्या करें। किसी की फर्स्ट लेयर पे होती है, सेकंड पे होती है, थर्ड पे होती है। तो इस तरह मैंने जिन पे ये यूज़ करवाई है उनको 5 साल पुरानी थी पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन मैंने आपको बताया कि 5 साल उनको पुरानी थी। अब मैंने ये स्क्रब ये देखें करके अभी वॉश कर लिया है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो इसका ये था। तो अब आपने जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उस तरीके से चलेंगे, तो आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल रिमूव हो जानी है। अब आते हैं फ्राइड रॉक क्रीम की तरफ। अच्छा, ये हमने स्क्रब बनाया, पहला स्टेप तो ये था, ठीक है। अगर आपने जब ये स्क्रब करना है तो 3 दिन हफ्ते में आपने स्क्रब करना है, 3 दिन आपने ये क्रीम लगानी है। अच्छा, ये क्रीम है फ्राइड रॉक, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि अगर इस पर लिखा तो है कि अगर आप थोड़ी सी अमाउंट लेके अपने फेस पे लगा लें, लेकिन ये हमने ज़ाती तौर पे घर में जिनको इस्तेमाल करवाई है तो पता चला कि किस तरह से, क्योंकि ये करती है पील ऑफ स्किन को। तो जो अगर पील ऑफ एकदम से हमारी स्किन को करेगी तो वो हमारे लिए यानी कि एकदम यानी नुकसानदेह होगी। तो आपने इसको खाली डायरेक्टली अपनी फेस पे अप्लाई नहीं करना। जो एपिडर्मल लेयर होती है हमारी स्किन की, फर्स्ट पे छाइयां हैं, तो वो तो आपको ये जो है 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट नजर आएगा। और जिनकी बहुत डीपली है, वो तरीके से अगर जो मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करती रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको बना के नहीं रखना है, आपने अगर खुद यूज़ कर रहे ये देखिए, सिर्फ इतनी सी आपने ये क्रीम लेनी है और इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, और ये आपने फ्रेंड लव ली, ये देखिए फ्रेंड लव, इसको आप मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद जहाँ पर आपको छाइयाँ हैं, मिसाल के तौर पे देखें फेस पे मेरे यहाँ पर छाइयाँ हैं, नोज के एरिए पे हैं या कहीं पर भी हैं, वहाँ आपने हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ, ये देखें इस तरीके से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से, ये ना हो कि आपने क्रीम ली और जोर जोर से ऐसे रगड़ा तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, छाइयों का मामला है और बहुत ज़्यादा नाजुक स्किन है। तो ये देखिए, इस तरह बिल्कुल आपने हल्के हाथ से लगा के रात भर के लिए छोड़ देनी है। अच्छा, जिस दिन आपने स्क्रब करना है उस दिन आपने क्रीम नहीं लगानी, एक दिन आपने स्क्रब करना है, दूसरे दिन आपने क्रीम लगानी है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा 15 दिन के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपको छाइयाँ हैं तो वो यानी कि थोड़ा टाइम लेंगी आप यूज़ करते रहें, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट लेयर पर हैं तो वो आपको 15 दिन के अंदर पूरा रिजल्ट मिल जाना है। तो ये क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन सुबह के टाइम जो है ना बहुत ड्राई होगी और पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्रीम जो है पील करती है। अगर आप इसको डायरेक्टली लगाएंगे फेस के ऊपर तो ये आपको यानी कि पील करेगी, जो एकदम से पील करेगी तो नुकसानदेह होगी।
तो आपने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि जब ये आप लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन जो है पील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पील होगी, आपने सुबह को उठ के अच्छे से किसी फेस वॉश से फेस वॉश करना है, और इस दौरान ना आपने कोई मेकअप यूज करना है, ना कोई ब्लीच करनी है, ना कोई फेशियल करना है, कुछ भी नहीं। अगर आप अपनी छाइयों को ट्रीट करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। कुछ महीने अगर आप लगा देंगे अपनी स्किन पे कि हमारी छाइयां ठीक हो जाएं, जो हम परेशान फिर रहे हैं या मेकअपों से छुपा रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या इतने महंगे ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते, तो आप एक सस्ती सी क्रीम से जो 160 रुपए की आती है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी छाइयों को रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक दिन आपने स्क्रब यूज करना है। स्क्रब भी मैंने आपको घर का बताया है, कोई बाहर का स्क्रब नहीं बता रही, जो आपके घर में चीजें मौजूद हैं आप उसी स्क्रब से यूज करें। कि दूध हमारे लिए कितना कच्चा दूध जो है फायदेमंद होता है, और ये दही कितनी अच्छी होती है हमारे लिए। दही मैंने आपको बताया, दही दूध और ये चावलों का आटा, इसका स्क्रब बना के, कि अगर आप ये वैसे भी आप फेस पे लगाएंगे तो इतना अच्छा से फेस हो जाता है। तो आपने एक दिन ये स्क्रब यूज करना है, एक दिन आपने इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। फेयर एंड लवली, तिब्बत स्नो, कोई भी आपके पास क्रीम हो, इन दो के अलावा और कोई नहीं, इन दो क्रीमों को मिक्स करके आपने जितनी मैंने बताई है आपने उतनी अमाउंट में उस एरिया पे ही अप्लाई करना है जहां पे आपको छाइयां हैं। तो आप ये रात में ही यूज करेंगी, दिन के टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगी। फर्स्ट स्टेप था हमारा स्क्रब, सेकंड हो गया नाइट में ये। अब आपको मैं मॉर्निंग का बताती हूँ कि आपने मॉर्निंग में क्या करना है। दूसरा ये कि आपने इसके साथ ना कोई ब्लीच यूज कर दिया, ना कोई मेकअप यूज करना है, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी। और दिन के टाइम तो आपने बिल्कुल भी ये क्रीम यूज नहीं करनी। जो आप देखें, अगर आप घर में हैं, आराम से रह रहे हैं, सब कुछ, यानी कि धूप वूप में आप इतना काम नहीं है, तो आप इतनी आसानी से इस चीजों से, दो चीजों से अपनी छाइयां ट्रीट कर सकते हैं। आ जाते हैं मॉर्निंग रूटीन पे। तो मॉर्निंग में आपने अच्छे से अपना फेस वॉश करना है, किसी अच्छे से माइल्ड से फेस वॉश से, और आपने करना है स्क्रब यूज। आप कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, कोई भी मेडिकेटेड, कोई भी सनब्लॉक ले सकती है। मेरे पास ये है और मैं ये यूज करती हूँ, तो मैं इसको आपने अप्लाई करना है। आपने ये समझ लें कि ये जैसे इंसान के लिए पानी जरूरी है ना, पानी पिए बगैर मर जाएगा, तो समझे कि आपकी स्किन भी मर जानी है। ये इस ट्रीटमेंट पे आपने सनब्लॉक जरूर जरूर लगाना है। अब ये आपने सुबह उठे, आपने पहले हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया, क्योंकि इन चीजों के बाद आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होगी और पील होगी, तो आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने सनब्लॉक लगाना है। अच्छा, सनब्लॉक का काम ये है कि ये 2 से 3 घंटे के अंदर आप पसीना आता है या कुछ भी है, 3 से 2 घंटे के अंदर इसका काम करना खत्म कर देता है। आपने फिर अप्लाई करना है। जब तक आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपने यही करना है कि सनब्लॉक को हर 2 से 3 घंटे के बाद अप्लाई करना है। तो मैं आपको बताई थी कि सनब्लॉक आपने जरूर यूज करना है, और आपको मैं ये बता दूं कि ये जैसे हमारे लिए पानी जरूरी है ना, तो अब इस ट्रीटमेंट के बाद सनब्लॉक हमारी स्किन के लिए इस तरह जरूरी है। अगर आपने सनब्लॉक यूज नहीं किया और सिर्फ इस तरह से ट्रीटमेंट आपने अप्लाई किया, तो आपको फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर आप मत कहिएगा कि हिना ने आपने इस तरह का ट्रीटमेंट बताया कि हमारी नुकसान चेहरे पर ज्यादा छाइयां हो गई या क्या। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने उस तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी छाइयां जल्दी खत्म हो जाएंगी। जो अगर आपके फर्स्ट लेयर पे है ना, तो वो ठीक हो जाएंगे। और हाँ, अगर जो कोई क्रीमें लगाता है बहुत ज्यादा फार्मूला क्रीम्स, तो उनका मैं नहीं कह सकती कि उनके ऊपर ये कैसा ट्रीट करेगी। लेकिन मैंने जिन पे अप्लाई कराया था वो भी बहुत करती थी, लेकिन वो छोड़ चुकी थी, तो उनका पूरा फेस जो है छाइयों से भर गया था। तो मैंने उनको ये ट्रीटमेंट उनका किया, इसके साथ उन्होंने मल्टीविटामिन भी लिए हैं, खाई हैं, और बहुत ज्यादा पानी पिया है। तो जो बहुत ज्यादा फार्मूला क्रीम वगैरह यूज करती हैं, तो अगर वो भी यूज कर रही हैं और ये भी लगा रही हैं, तो मेरी राय यही होगी कि अगर उसको स्किप करें और ये ट्रीटमेंट यूज करें तो भी फायदा हो। तो ये है कि आज की मेरी वीडियो इस मौजू पे थी कि मैंने जिनको यूज करवाई है तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्रीमें यूज की हुई थी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो लेकिन वो कुछ साल से छोड़ चुकी थी, तो मैंने उन पर ट्रीटमेंट किया है, तो उनकी माशाल्लाह स्किन ऐसी शाइन कर रही है, और उनकी छाइये यानी कि बहुत ज्यादा करीब आके देखेंगे ना तो थोड़ी सी फील हो रही है कि हैं, बाकी दूर से तो चमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा है उनका। उनके फुल फेस पे थी, जिस जगह पे नहीं थी वहां मैंने मना किया कि अप्लाई नहीं करना आपने, और जहां पे है सिर्फ वहां पे करें, और सनब्लॉक को खुराक की तरह आपने साथ रखें। मतलब जब तक आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने ये करना है। उन्होंने मेरे कहने पर जिस तरह ना कोई स्क्रब, ना कोई क्रीम, ना कोई ब्लीच, ना कोई मेकअप, कुछ भी अप्लाई नहीं किया जब तक ये ट्रीटमेंट कर रही थी।
तो उनको रिजल्ट भी मिला। जैसे मैंने उनको समझाया किया, उन्होंने वैसा किया, फॉलो किया। जब वो आई, मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये देखें, आपने जैसा मुझे कहा था, मैं इतने पैसे डॉक्टर्स के पास यूज कर चुकी हूँ। तो उनको डॉक्टर्स ने भी ये क्रीम दी थी। मैं नहीं कह रही कि डॉक्टर गलत काम करते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली अप्लाई की। तो उन्होंने जैसे अप्लाई की थी डायरेक्टली, तो दूसरे दिन उनके पूरा फेस रेड और पूरा पील हो चुका था। यानी कि पूरे की छिलकों की तरह कहती कह रही थी कि मेरे फेस से उतर रही थी जब उन्होंने मुझे ये क्रीम दिखाई थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप वैसे यूज करो तो फिर आप देखना। तो उन्होंने जब उन्होंने लगाई थी, भी डॉक्टर के पास गई, बिल्कुल रेड हो गया था। फिर उन्होंने उसी दौरान गलत तरीके किए कि ब्लीचे भी कर ली, क्रीमें भी लगा ली, मेकअप भी कर लिया। तो जाहिर है तो नुकसान तो होना है ना, फायदे की जगह नुकसान होने लगा। तो ये जिस तरीके से बताया गया, अगर आप उस तरीके से फॉलो करेंगे, एक दिन आपने लगाना है स्क्रब, एक दिन लगानी है नाइट क्रीम, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।